मुझे पूर्ण विश्वास है एक बार पुनः जनसेवक के रूप में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे जनसेवक के रूप में काम करने का मौका देगी। जब ये आशंका होती है कि परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो विचलित हो जाते हैं, गलत बयानबाजी हो जाती है। और कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं किसी का साथ देना मत देना, सच्चाई का साथ देना। लोकतंत्र की खूबसूरती की स्याही पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी के हाथों पर भी लग गई है और सपरिवार आपने वोट किया है और हमने देखा कि कतार में लगकर ये वोट किया। सबसे पहले तो एक लंबा चुनाव प्रचार का जो दौर था, शिकवे शिकायत भी बहुत रहे, आज क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये चुनाव प्रचार मैं लंबा इसलिए नहीं मानता हूँ, शिकवे शिकायत मुझे विचलित नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से ये माना है मेरे परिवार की चौथी पीढ़ी 100 वर्ष हो रहे हैं हम संस्कारधानी जबलपुर के, जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, एक पारिवारिक माहौल है, सबसे संपर्क है, साथ में होना। सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे का समर्थन भी हो, पर इससे विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार पुनः जनसेवक के रूप में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे जनसेवक के रूप में काम करने का मौका देगी। जो विचलित हुए उसका कारण था कि अधूरी पढ़ाई अगर करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आते, और जब ये आशंका होती है कि परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो विचलित हो जाते हैं, गलत बयानबाजी हो जाती है। पर मैं ये मानता हूँ सबको अपनी अपनी मर्यादा का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है संस्कारधानी जबलपुर की जनता, जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता और पूरे मध्य प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रही है और साथ साथ बदलाव के लिए मतदान कर रही है। कुछ देर पहले कमलनाथ जी ने भी वोट कास्ट किया है और उन्होंने कहा कि वो नंबर्स नहीं बताएंगे, लेकिन ये तय है कि सत्ता में वापसी हो रही है कांग्रेस की। बात सत्ता वापसी की नहीं है, बात है सच्चाई की। और कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं किसी का साथ देना मत देना, सच्चाई का साथ देना। 18.5 साल का ये कुशासन, हर वर्ग परेशान, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की साख पे हर तरह से बट्टा लगा। आज हम सबको विश्वास है कि मध्य प्रदेश की आम जनता जो इस लोकतंत्र में राजा है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, अगले 5 वर्षों के लिए एक ऐसी सरकार को चुनेगी। हम मुझे विश्वास है कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुनेगी जो मध्य प्रदेश के ऊपर लगे इन सभी कलंकों को दूर कर सके और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के सभी निवासियों के हित के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। महाकौशल फिर साथ दे रहा है, पूरा मध्य प्रदेश साथ दे रहा है। तो पूरा मध्य प्रदेश और जिस महाकौशल से कमलनाथ आते हैं, जिस महाकौशल से तरुण भनोट आते हैं, वो कह रहे हैं कि वो उनका साथ जरूर देगा, बदलाव के लिए जनता वोट करेगी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने भी तगड़ी फाइट की है, यहां से 4 बार के सांसद राकेश सिंह को चुनावी समर में उतारा, जबरदस्त चुनावी मुकाबला दोनों ही दलों के बीच में, दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में रहा, लेकिन आज प्रत्याशी जो विधायक बनने जा रहा है, भावी विधायक की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। फिलहाल तरुण भनोट कांग्रेस प्रत्याशी ने सपरिवार वोट कर कास्ट किया है और देखना होगा कि जनादेश जबलपुर पश्चिम क्या सुनाता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।